हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जनधन अकाउंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। साथ में ये बताने वाला हूं आपको कि इसमें जो ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी मिलता है उसका मतलब क्या होता है। आपके लगातार मुझे बहुत सारे कॉमेंट इससे रिलेटेड मिले हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, या फिर नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे जनधन अकाउंट में 10,000 रुपीज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिला है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, और भी बहुत कुछ मैं जो है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जनधन अकाउंट में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर आप जनधन अकाउंट यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप जनधन अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर आप देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनधन अकाउंट है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, पहले इसमें था कि 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट का जो है इसमें फैसिलिटी मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब इसके फैसिलिटी को जो है दुगना कर दिया गया है। अब जो है आपको इसमें ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी है वो आपका 10,000 रुपया कर दिया गया है, मतलब इसको दुगना कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जब यह योजना स्टार्ट हुआ था तो उस समय जोर दिया गया था कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का जो है अकाउंट जनधन के तहत खुल जाए। लेकिन अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार में जो लोग भी वयस्क हैं, ठीक है, उन सभी लोगों का जो है अगर अकाउंट नहीं है तो उनका जनधन अकाउंट खुलवाने के ऊपर जो है जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो था कि आपको 1 लाख का जो है दुर्घटना बीमा इसमें दिया जाता था, लेकिन इसको भी अब दुगना कर दिया गया है। अब इसमें जो है आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने यह जानकारी दी है। जेटली जी ने कहा है कि सरकार द्वारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो आपका योजना चलाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया जा रहा था, जो कि आपका उसको जो है आगे भी जो है आपको चलाया जाएगा, और इसके तहत और भी बहुत सारे अकाउंट खुलवाने पर जो है इसमें जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनधन योजना के जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनका अकाउंट खुल चुका है, उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते समय 2,000 रुपये खाते से निकालने के लिए किसी भी शर्त का जो है पालन जो है नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ 18 से 60 साल की उम्र के अकाउंट होल्डर्स को दी गई थी। जनधन खाते में अब ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी है, सुविधा लेने के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है 65 जो है कर दिया गया, मतलब 65 साल तक जो है इसका उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी दिया गया है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब यह है कि अगर किसी जनधन अकाउंट होल्डर के बैंक खाते का रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी ओवरड्राफ्ट का जो उसका लिमिट है उसके तहत जो है बैंक से वो जो है पैसा ले सकता है, अगर उसको जरूरत पड़े तो, ठीक है। यह वास्तव में एक एक छोटी अवधि के तहत जो है लोन आप समझ सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आप किसी और से लोन लेते हो उसी तरह से आप अपने बैंक खाते से उतना पैसा आप जो है आपका जो भी लिमिट है ओवरड्राफ्ट का उसके अनुसार उतना पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको इस फैसिलिटी यह कम दे रही है जनधन अकाउंट में, स्पेशली आपको यह फैसिलिटी मिल रहा है। इससे क्या होता है कि आपको किसी और से जो है उधार नहीं लेना पड़ता है। अब किसी और से उधार आप नहीं लोगे तो आपको उस पर एक्स्ट्रा कुछ ब्याज देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। गांव देहात में अधिकतर लोग को पैसा की जरूरत पड़ता है तो वो बड़े बड़े साहूकार से जो है पैसा लेते हैं उधार में, उसके चलते और भी उनको उसमें एक्स्ट्रा ब्याज भी देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ से आपको इस जनधन अकाउंट में बेनिफिट इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा से आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी अब नया जनधन अकाउंट ओपन होगा उसमें जो है जो भी अकाउंट होल्डर्स होंगे उनको एक रुपे रुपे जो है कार्ड मिलेगा,
जिससे उनको जो है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगा। ये जो है 1 लाख का जो है आपको दुर्घटना बीमा मिलता था, और इसको दुगना करके अब जो है 2 लाख का यहाँ पर कर दिया गया है। जनधन जो योजना है ये आपका 14 अगस्त 2014 को मंजूर हुआ था और 28 अगस्त 2014 को जो है लॉन्च हुआ था। जनधन योजना में पिछले 4 साल में 32.41 करोड़ बैंक अकाउंट जो है खुल चुके हैं। जनधन योजना में खुले बैंक अकाउंट में 53% जो खाता है वो महिलाओं का है, जबकि 59% बैंक जो है अकाउंट जो है यहाँ पर ग्रामीण और जो है कस्बाई इलाकों में जो है यहाँ पर खोला गया है। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट था मैंने बताया, और साथ में आपको यह भी बताया कि जो आपका ये इसमें जो ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है 10,000 का, उसका एक्चुअल जो है मतलब क्या होता है, जैसा कि आपका बहुत सारे कमेंट और रिक्वेस्ट मुझे आए थे, तो यह वीडियो मैंने जो है आपको के लिए बनाया और इसमें आपको मैंने सारी जानकारी दे दी। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, और मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। फ्री पेटीएम कैश जीतने के लिए वीडियो के नीचे लाइक कमेंट कर दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन हो, डाउट, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और वीडियो पर एक लाइक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का जो है आपको हमेशा टाइमली मिल सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।